नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मिर्जापुर पंचायत में है, प्रखंड है बाराहाट, जिला बांका। यहां पर इस पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है, इसके बारे में सीधे मुखिया जी से जानेंगे। अपना परिचय देते हुए मुखिया जी, आप बताएं कि इन 5 वर्षों में क्या कुछ विकास कार्य आपके द्वारा हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्या के ऊपर भी आपसे बातचीत करेंगे, पंचायत का हाल भी देखेंगे। आप बताइए कि आपके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, इस पंचायत को क्या क्या सौगातें मिली है। मैं अमरकांत पंडित, मुखिया ग्राम पंचायत मिर्जापुर, प्रखंड बाराहाट, जिला बांका। मेरे पंचायत में जल निर्मल परियोजना से 3-3 टंकी का निर्माण हो पाया। जल नल योजना से, जिसमें एक तो ऑलरेडी चल रहा है और 2 गांव में वो अभी कार्यरत में है, पूरा नहीं हुआ है कार्य। ये 7 निश्चय योजना में से एक योजना है, बाकी के जो 6 इम्प्लीमेंट है उन पर किस तरह का काम उस पर भी गली नली का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ है, वो देखने में भी लग रहा है। पंचायत में हर जगह हमने देखा कि पक्की सड़कें हैं, हर जगह ढलाई कर रखी है आपने। अच्छा, एक जो समस्या हमें देखने को मिली वो, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी ऐसे तो काफ़ी कर्मठशील हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आप देखिएगा अभी भी पंचायत में कमियाँ हैं, उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किस तरह प्रयास किया जा रहा है। प्रयास लगातार किया जा रहा है, प्रयास तो सरकार से भी मनी का ट्रांजेक्शन होगा तभी तो उस पर कुछ ध्यान दिया जा सकता है, कुछ नया कार्य किया जा सकता अच्छा है। जो कबीर अंत्योदय योजना चल रही है उस पर किस तरह का इम्प्लीमेंट है, कुछ काम हो रहा है आपके पंचायत? देखिए, वो तो और ख़राब कर दिया है सरकार ने। पहले तो हमारे पास आता था चेक के थ्रू पैसा पेमेंट होता था और हम उस पैसे को जो लाभुक होता था उसको देते थे। ऐसी स्थिति हो गई है कि पैसा लेने के लिए तो सब पहुंच जाता है और पैसा मैंने दिया भी बहुतों को है, लेकिन उसका उगाही नहीं हो पा रहा। पंचम योजना पर क्या कुछ कार्य हुआ है, क्योंकि ये दोनों योजना आप देखिएगा कि पूरी तरह विफल है। खासकर बांका का जो पंचायत है उसकी हालत इतनी दुर्दशा है, क्या मानते हैं, अधिकारी जिम्मेदार है या सीधे तौर पर शासन प्रशासन और जो नेता है वो जिम्मेदार है? पंचम में कहाँ कोई खास हम लोगों के पास में उसकी राशि है, अभी कुछ जब राशि भी है भी तो उस पर क्या डोंगल टोंगल संबंधी कुछ आ गया है प्रॉब्लम जिसको खर्च नहीं कर किया जा सकता। एक और सवाल है नेता जी, काफ़ी शालीनता से सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते हैं और अभी देखिएगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी जो हो खुले में शौच से मुक्त हो सके। आपके क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, कितने शौचालय बने आपके कार्यकाल में? शौचालय देखा जाए तो यह पंचायत ODF है, लेकिन पूर्व में कुछ NGO के थ्रू शौचालय बना था जो सही ढंग से नहीं सक्सेस नहीं हुआ। उसके चलते जो नया लाभुक बनाना चाहता था वो नहीं बना पाया, उसको राशि नहीं मिलने की उम्मीद हुई, इसलिए उन लोगों ने नहीं बनाया और उसी आधार पर ये ODF पंचायत है। गरीबों को छत मिले इसके लिए भी एक योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले चल रहा था इंदिरा आवास योजना से, तो उसके लिए कितने आवंटित हुए हैं, कुछ बने आपके यहाँ? बहुत बहुत बना है, हमारे समय में बहुत बना, करीबन हमको लगता है कि 800-900 से कम नहीं बना हमारे रिजम में। और अब जो नया आदमी ने दिया है उसका हुआ क्या कि हमारे जो सहायक थे वो उस समय अस्वस्थ हो गए, बेड रेस्ट में चले गए, जिसके चलते कि उनका जियो टैग नहीं हो पाया, इसके चलते वो काम थोड़ा अस्थगित है। जो अब नया जो बनना था, नया जो सूची बनना था उसमें कुछ समय लग रहा है, वो ऐप ही नहीं अभी खुल रहा। बिल्कुल। नेता जी, एक और सवाल मेरा आपसे, आप बताएं, निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, ऐसे में अब कुछ ही समय जो है इस कार्यकाल का रह गया है,
क्या अपील रहेगी यहाँ की जनता से? क्या आपको भरोसा है कि पुनः जनता आपको चुनने जा रही है? मैं अब दूसरे कार्यकाल के लिए मुखिया पद पर नियुक्त होना नहीं चाह रहा। अब अगर मेरे बच्चे वगैरह तैयार हों तो वो चुनाव लड़ें। और कोई खास वजह इसकी दूसरे काल? उम्र मेरा हो चुका है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, इसलिए अब और आगे मैं इस भार को बर्दाश्त करने लायक नहीं। क्या कुछ संदेश देंगे अपने पंचायत के तमाम जनता को, साथ ही साथ बिहार के तमाम जनता को आगामी चुनाव को लेकर, ताकि सीखे, कुछ सीख लें और जिस तरह विकास होना चाहिए, जो रफ्तार पकड़नी चाहिए पंचायत को, पंचायत उसी तरह रफ्तार से काम कर सके? पंचायत में रफ्तार जो है वह गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। गवर्नमेंट जैसा योजना देती है उसके लिए जो राशि निर्गत की जाती है वो राशि पर निर्भर करता है। अब तो 80% चला जाता है सब वार्ड सदस्य पर, 20% मुखिया जी के हाथ में रहता है, वे मुखिया जी भी अपने से नहीं कर पाते हैं, उसमें भी वार्ड अच्छा, वगैरह। आप क्या मानते हैं कि जो ये राशि आवंटित की गई, डिफरेंट पड़ाव पर दिए गए, उससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है या भ्रष्टाचार को खुला छूट मिल गया? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भ्रष्टाचार तो उन्मूलन में अभी है, उन्मूलन हो जाए तभी इसका माने पूर्ण विकास होगा, इसको 100% अति तो नहीं कहा जा सकता। आप लोग खेती किसानी भी करते हैं और काफ़ी अच्छी खासी ज़मीन भी इधर है। अच्छा, ये बताइए, देश में अभी देखिएगा आप, 2-3 स्टेट मिलकर किसान आंदोलन चल रहा है, आपके यहाँ क्या कुछ स्थिति? हमारे यहाँ कोई किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ। वो सिर्फ 2-3 स्टेट जो MP क्या कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। MP वाला वो सब जो है जो दाम है ज़्यादा उन्हीं लोगों के क्षेत्र में होता था। कौन प्राइस कर रहे हैं? MSP का लाभ वही तीनों राज्य ले रहा था, उसका हम लोगों के यहाँ उसका 5% भी लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अमरकांत पंडित जी से, मिर्जापुर के मुखिया हैं और इन्हें उम्मीद है कि इस पंचायत में, इनके कार्यकाल में जो कुछ विकास कार्य हुआ है उससे यहाँ की जनता खुश है। लेकिन समस्याएं अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र की कई सारी हैं जिन पर ज़रूरत है अधिकारियों को ध्यान देने की, ताकि व्यवस्था को और दुरुस्त बनाया जा सके। बहरहाल पंचायत चुनाव है और इस पंचायत चुनाव में कई सारे उम्मीदवार इस पंचायत से भी अपनी भाग आजमाइश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि खुद मुखिया जी ने कहा कि इस कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए मैं जनता से अपील कर चुका हूं कि दोबारा पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगा। वजह इन्होंने बताई कि उम्र अधिक हो गई है, सारा कार्यभार संभालना मुश्किल है, घर से किसी को खड़ा कर सकते हैं। देखना यह है क्या कुछ इस पंचायत में होता है। लगातार बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए मोबाइल न्यूज़ 24 को देखते रहिए। कैमरा पर्सन अम्बुज के साथ अभिषेक कुमार।